काफ़ी हद तक हाथों से बात करते हैं, तो हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात कर रहे हैं, बट ये जो ओनर है ये हटाने की कोशिश कर रहे हैं इनको, और ये पूरे डटे हुए हैं, ये नहीं हिलने वाले यहाँ से। फ्रेश बन उसमें न्यूटेला या चॉकलेट जो भी ये क्रीम डाल के बेच रहे थे, मैं लेने वाला था क्रोसों, बट आई टुक दिस रादर इंस्टेड, एंड दिस इज गोना बी आवर फर्स्ट ब्रेकफास्ट फ्रॉम सन गीतो लोका को। हमने कभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट दुकान से लेके नहीं खाया, हमेशा बना के खाया है। इसी के साथ वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आज हमने पहले ही जाके वहाँ पे सीट फर्स्ट रो में सीट बुक कर लिए। आई एम वेरी हैप्पी। 3 दिन लग गए मुझे शहर को समझने में, बट देर आए दुरुस्त आए। अब मैं जाके वहाँ पे आराम से बैठूंगा, क्योंकि सारा एक्टिविटी जो है फर्स्ट रो में ही होता है। पीपल वॉक बाय, पीपल स्विम, देयर्स बोट्स कमिंग बाय, सो योर व्यू इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड। अगर आपने पहले से बुकिंग नहीं करी है तो बेटर होगा कि आप 8 बजे के आसपास जाए और वहाँ पे जाके बुक करा के आ जाए। 20 यूरो लगेंगे पूरे दिन के लिए, पर इट्स So, ये हमारा लास्ट दिन है यहाँ पर, एंड आई थिंक वी आर जस्ट गोइंग टू एंजॉय द बेस्ट दैट वी कैन। सुबह के 9:30 बजे एंड अभी भी काफी भीड़ होनी शुरू हो गई है। ओह माय गॉड, ये तो सीरियसली फ्रंट व्यू है। वाह क्या बात है, एकदम फ्रंट व्यू। अभी क्या है कि धूप उस तरफ से आई है तो हमने यहाँ की फोटोग्राफ सारी ले ली, बट मुझे उस डायरेक्शन में फोटोग्राफ लेना है क्योंकि मेरे पीछे है बैकड्रॉप पहाड़। जब तक सूरज यहाँ पे नहीं आता तब तक वो लाइट भी नहीं आएगी, तो मैं ले नहीं पाऊंगा। फर्स्ट रो में बैठ के एंजॉय करने का मूड ही अलग है, क्योंकि यू कैन सी ऑल द एक्टिविटी व्हाट इज हैपनिंग इन वाटर, एंड यू कैन गो डायरेक्टली फ्रॉम वाटर एंड कम डायरेक्टली ओवर हियर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम आराम से सब कुछ हो जाएगा। एंड बच्चे सामने सैंड कैसल भी बना रहे हैं, ये सब बना रहे हैं। इट्स टोटल फन इफ यू कैन डू इट। 8 बजे आ जाओ एंड टेक द फर्स्ट सीट इन सन गीतो लोका। ये लड़का चप्पल धोने गया है, जबकि रेत हर जगह लगी हुई है, कुछ नहीं मिल रहा, चप्पल से खेल रहा है। ये देखो ये चप्पल धुली है। ओ, ये दूसरा आइडिया अपनाया है। अभी फिर देखना, ये सोच रहे हैं कि ये चप्पल साफ हो जाएगी, अब ये रेत में आएंगे और इनकी चप्पल। ओह संभल के संभल के संभल के। A few moments later. ये वाली जो बीच है ये सब यहाँ पे ना ऐसे बेड लगे हुए, अम्ब्रेला लगे हुए, तो कोई लोगों ने आके अपने बीच में यहाँ पे टावल डाल दिए, पीछे में भी डाल दिए। तो ये जो ओनर है ये आके बोल रहा है हटाओ इसको, लेकिन ये जो एरिया है ये उन लोगों ने ऑक्यूपाई किया होता है कुछ कुछ की, जहाँ पर वो अपने बेड्स वगैरह प्लेस कर सके, ताकि देखें सेल पीपल की वो उनकी एरिया है। यहाँ पे लोग आके अगर ऐसे बैठ गए तो इट्स काइंड ऑफ सम इशू। काफ़ी हद तक हाथों से बात करते हैं, तो हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात कर रहे हैं, बट ये जो ओनर है ये हटाने की कोशिश कर रहे हैं इनको, और ये पूरे डटे हुए हैं, ये नहीं हिलने वाले यहाँ से। ये जो दूसरे वाले हैं, मतलब इनका है ये टावल, ये बच्चे जो है इनका टावल है। तुम देखते हैं इनको हटाने को बोल रहे हैं, ये जाएंगे कि नहीं। भाई आंटी की बिकनी सी समझ में आ जाए, ये बड़ी डेयरिंग आंटी है, इनकी सीट हटा के दिखाओ। फाइनली ये लोग को हटाना ही पड़ रहा है अपना सामान। दोस्तों मैंने हाथ में उठा ली है इटली की दूसरी तीसरी बियर। पहले तो मैंने पिया अजूरो, फिर उसके बाद मैंने पिया नोस्त्रो, और अब मैं पी रहा हूँ मेसिना। इस बियर को टेस्ट करने के बाद मुझे सान वितो लोकापो और अच्छा लगने लगा है। जैसे जैसे एक एक बियर पीते जा रहा हूँ वैसे वैसे सान वितो लोकापो की आबो हवा मेरे अंदर बैठती जा रही है। इसी तरह मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप मेसिना हो, नोस्त्रो हो, अजूरो हो, पीते रहिए, तभी आपको सान वितो लोकापो अपने आप में समझ आएगा। वैसे आप ना पी के भी समझ सकते हैं। Do you remember हम तारुमीना गए थे? हाँ। तारुमीना का एक जो पहाड़ है that is मसीना। चलो भाई लोग क्लियर कर रहे हैं मामला। ये इस छतरी पे पायल बेच रही है अंकित। कुछ कुछ बीच गार्डन्स ऐसे हैं जहाँ पे आप ऑटोमेटिकली खाना मंगवा सकते हैं, पर हमने जो लिया है उसमें आप नहीं मंगवा सकते, उसमें आपको खुद जाना पड़ेगा रेस्टोरेंट तक। मैं एकदम एंड पे, वहाँ पे मेरी सीट है, एंड यहाँ से बस 5 मिनट के डिस्टेंस पे एक छोटा सा जॉइंट है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। जब भी मैं यहाँ से देखता हूँ ना इस पहाड़ को, इतना मैजेस्टिक सा खड़ा हुआ है यहाँ पे, एकदम अलग सा लगता है। मतलब इट कॉम्प्लीमेंट्स द होल लैंडस्केप टू बी ऑनेस्ट। और वो रहा टेस्टी बर्गर जॉइंट,
और यहाँ पे मेरा एयरबीएनबी भी है। अभी चल रहा है 44वां नंबर, अभी मेरा है 62वां नंबर। तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक ये 44 से 62 ना आ जाए, क्योंकि अभी 12-1 बज गए ना, तो सारी भीड़ यहीं पर जमा हो जाती है। फाइनली मिल गया लंच अपना, अब जा रहा हूँ वापस बीच के चेयर पे, वहाँ पे जाके सेवन करेंगे। गड़बड़ क्या हुआ? तुम बड़गड़ बना रहे हो तो? बोलना है के बीच को क्या बोले? वापस आना चाहोगे? आज तो मन नहीं कर रहा था मेरा वैसे, पर वापस आना चाहोगे? हाँ, हाँ, कब? वेरी सून। हमने सोचा था 7 बजे तक, बट इधर ऐसा हो गया था कि हमको उठना ही पड़ा। आना तो चाहूंगी लेकिन प्रैक्टिकली आई डोंट थिंक वी विल कम टू दिस प्लेस। वी विल एक्सप्लोर सम न्यू बीच ऑफ यूरोप फॉर श्योर। रेस्टोरेंट्स में एंटर करने में और दुकानों में जाने में और जहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ हुई तो वहाँ तो मास्क पहनना ही है। दिस रेस्टोरेंट इज मिशलिन स्टार 2021 एंड आई एम वेरी श्योर ये ओवर हाइप्ड होगा, बहुत लोग यहाँ आके रुकते हैं एंड आई थिंक इसका प्राइस भी ओवर प्राइस होगा एंड इट विल बी ओवर हाइप्ड। यहाँ पे बीच फ्रंट में भी थोड़ा 2-4 रेस्टोरेंट्स मुझे दिखे हैं, यहाँ पे मतलब इतने ज़्यादा भीड़ नहीं है, आराम से कोई जाके बैठ के खा सकता है। यहाँ पे वॉलीबॉल फुटबॉल पता नहीं क्या क्या चल रहा है, शायद वॉलीबॉल ही चल रहा है। ऑलमोस्ट आई थिंक सेम है रेस्टोरेंट में ना, इधर उधर थोड़ा बहुत चेंज है बट काफ़ी हद तक सेम है। वेजिटेरियन में आपको 2 या 3 ऑप्शन ही रहते हैं, पिज्ज़ा मार्गरीटा नापोली और स्पेगेटी में रहेगा पोमोदोरो वाला। कल वैसे तुम्हारे लिए मैंने स्पेगेटी वाला नॉर्मल लेके आया था। है ऐसी बात नहीं है, यहाँ नॉर्मल मतलब ज्यादा ऑप्शन नहीं है ज्यादा आपको, बिकॉज़ इट्स सी साइड तो यू हैव मोर फिश क्लैम्स और ये सब रहेगा ज्यादा, और चिकन भी इतना नहीं है। एक जगह के बैठ गए हैं, मुझे नहीं पता क्या ऑर्डर करेंगे क्या नहीं करेंगे, मेनू देख लिया पर कुछ पसंद नहीं आया, फिर भी बैठ गया हूं। मोर और लेस सब सेम ही है यहां पे। सी बहुत ओवर क्राउडेड जगह से अच्छा तुम्हें ये वाला व्यू मिल रहा है एकदम। मेरे साथ विश्वासघात हो गया दोस्तों, मैंने कुछ मंगाया था कुछ आ गया, इतना खाला मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं देखा। भगवान जाने अब खा के पता चलेगा क्या है, इतना काला तो चॉकलेट भी नहीं होता। मैंने सोचा इस डिश का नाम रख देता हूँ विश्वासघात, मतलब कोई भी ऑर्डर करेगा तो ये नहीं सोचेगा कि ये आ रहा है। तो अगर आपको विश्वासघात ऑर्डर कराना है तो मुझसे पूछिए। तो ये है क्या, तुम्हें क्या लगता है कोयले का वो जो सड़क पर बनता है डामर वो है? तो मेरे साथ बिल्कुल विश्वासघाती हो, मेरा पिज्जा तो बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। ये हमारी यहाँ की लास्ट डिश है इस सिटी में, इस टाउन में, और मुझे गारंटी है कि मोइना मेरा पिज्जा आधा पिज्जा तो पक्का खाएंगे। एंड ये जो ब्लैक कलर है ये भी हमने पूछा कि ये क्यों है। डिनर जो है यहाँ से हुआ ख़त्म और अब हम देखते हैं कि हम जाएंगे अपने एयरबीएनबी या फ्लैट में या फिर शायद वॉक करेंगे। थोड़ा वेदर अभी ठंडा हो गया है यहाँ पे, हल्का सा सी साइड है तो ठंडा हो जाता है, ठंडा लगता है उसको, बहुत वेदर लगता है मुझे तो ठंडा लगता है। सो वी जस्ट केम होम सम टाइम बैक, एकदम पास में है एंड ये यहाँ पे गेट है इस रूम में, मैं दिखाती हूँ किस रूम की बात कर रही हूँ और कौन से गेट की बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डोर, सो आई वॉज लाइक कि यार थोड़ा गेट खोलते हैं, एसी तो चल रहा था बट स्टिल आई वॉज लाइक लेट्स गेट सम फ्रेश एयर एंड यू कैन ओपन इट लाइक दिस एंड आई जस्ट सॉ कि ये क्या बाहर ग्रिल है एंड यहाँ से यू कैन जस्ट ओपन इट, आई थिंक इट्स स्टिल नॉट ओपन
या आई थिंक नाउ एंड वी हैव अ बालकनी जो हमें दो दिन से पता ही नहीं है. हमें लगा था सिर्फ उसी वही एक बालकनी है क्योंकि जो ओनर थी उसे भी हमें नहीं दिखाया कि ये बालकनी है. एंड यहाँ से है व्यू. ये जो टेस्टी है इसी का हम बर्गर खा रहे थे दोपहर में एंड ये सी साइड है. कल डिनर करने के बाद फिर हमारा दूसरा काम ये था कि हम वॉक करने जाए, पर वॉक करने से पहले मेरे को ये देखना था कि हम कुछ घर का बना हुआ खाना भी बना लेते हैं क्योंकि हमारे पास सामान काफी था. तो फिर हम घर वापस आए एंड फिर खाना बनाने लग गया. मैं एक घंटा लग गया खाना बनाने में. खाना बन गया, खाना पैक कर दिया, फिर साफ सफाई कर दी, कूड़ा कचरा जो भी था घर के बाहर, वरना वो फाइन लगा था 50 यूरो का, तो वो मुझे नहीं देना था. एंड साथ ही साथ पैकिंग भी करनी थी क्योंकि आज सुबह को हम 10:30 बजे चेकआउट कर जाएंगे और यहाँ से जाएंगे पलेरमो. तो ये था हमारा लास्ट डे एट सान वितो लोकापो. बहुत ही अच्छा टूर था, बहुत ही अच्छी जगह भी है. अगर आप आना चाहते हैं तो आप आइए डेफिनेटली. एक हफ्ते के लिए तो डेफिनेटली आइए क्योंकि स्मॉल टाउन है तो आपको ग्रास्प करने में भी समय लगता है, टाइम लगता है थोड़ा सा. जैसे पहले दिन आते हैं तो आपको समझ नहीं आता, दूसरे दिन आप थोड़ा बहुत पता लगता है, तीसरे दिन आप एकदम नॉर्मल हो जाते हो. तो आई थिंक अगर 3 दिन लगते हैं नॉर्मल होने के लिए तो थिंक 4th, 5th and 6th डे नॉर्मली बीत जाता है. सान वितो लोकापो इज अ हिडन बीच और हिडन सिटी, यू कैन से सो, इन सिसिली. काफ़ी नोन है टूरिस्टिक डेस्टिनेशन के नाम से बट इतना पॉपुलर भी नहीं है. और एक जगह है शेफालू, वो भी जा सकते हैं. सो मोर लेस दीज आर द प्लेसेस दैट वी कवर्ड इन सिसिली एंड आवर ट्रिप टू सिसिली एंड्स विथ दिस लेड बैक बीच हॉलीडे. और अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा फॉर सम रीजन देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे मोटिवेशन के लिए एंड यू कैन ऑल्सो राइट सम कमेंट्स, वी विल रियली अप्रिशिएट दैट. सो विद दैट सेड, 1, 2, 3 ऑफ फीडर्स इन. Thank you.